वेलकम टू बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक। डियर फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि अंडरग्राउंड वायरिंग में इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है। नहायत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसमें अगर आपने अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए पाइप खुद इंस्टॉल की है तो आपको हर एक कनेक्शन का पता है कि कहाँ पर आप फैन का कनेक्शन देंगे और कहाँ पर लाइट का। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप आसानी से इजीली इलेक्ट्रिक वायर जो है इंस्टॉल करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर। डियर फ्रेंड, ये एक हाउस है जिसमें हम आज इलेक्ट्रिक वायर इंस्टॉल करेंगे और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और इसी तरह से इसके बहुत से पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। इस तरह से ये ऊपर आखिरी पोर्शन है। तो इसकी इलेक्ट्रिक वायर इंस्टॉल करने के लिए हमने यूज़ किया है इसको, स्टील वायर को। स्टील वायर के ज़रिए हम जो है इसमें तमाम वायर्स इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से ये जो अब मेन है 7.29 की वायर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं मेन बोर्ड के लिए। ये मेन बोर्ड जो है सप्लाई, मेन सप्लाई जो है इसको 729 तार से दी जाएगी। डियर फ्रेंड, अब हमारी जो मेन वायर है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये अब हमने कनेक्शन दिया है एक होल्डर का जिस पे एक लाइट जो है एडजस्ट की जाएगी और ये मेन बोर्ड, मेन बोर्ड के ऊपर भी एक होल्डर दिया जाएगा। ये हमने होल्डर को एडजस्ट कर दिया। याद रहे कि जब भी आप इलेक्ट्रिक वायरिंग अंडरग्राउंड खास करके करने लगते हैं तो उसमें न्यूट्रल और हाफ फेज जो है डायरेक्ट मेन बोर्ड तक लेकर आए। फ्रेंड, ये अब हम होल्डर इसका इंस्टॉल कर रहे हैं और मेन बोर्ड में जो वायर है वो इंस्टॉल नीचे कर रहे हैं। तो इसके कनेक्शन और जो मेन बोर्ड इंस्टॉल हम करेंगे कल, इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको हम बोर्ड के कनेक्शन बताएंगे। और एक वीडियो में हमने तमाम बोर्ड के, इलेक्ट्रिक बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं उसमें पूरी वीडियो में हमने तमाम कनेक्शन को तफसीलात के साथ बताया था। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डियर फ्रेंड, ये होल्डर जो है मेन बोर्ड के ऊपर हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग या प्लम्बरिकल वायरिंग के मुतल्लिक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।